नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिजिटल क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सूरज शर्मा। अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर अपन ने पिछला जो चैप्टर या ख़त्म किया था वो ख़त्म किया था मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी पिछली वाले चैप्टर के रिगार्डिंग कि पिछले चैप्टर में अपन क्या पढ़ के आए हैं, पिछले वीडियो में अपन ने क्या कवर किया है और आज के वीडियो में अपन क्या कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज के वीडियो में अपन कवर करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक क्लास को विजिट नहीं किया है, पिछली क्लास को या और भी मेरी पिछली वीडियो को विजिट नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को जाके YouTube चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। और ऐप पर जितने विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहे हैं डिजिटल क्लासेस ऐप पर, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो अपनी तैयारी को और मजबूत और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको टेस्ट वन सब्सक्राइब जरूर करिए। आप एक बार एटलीस्ट टेस्ट वन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि टेस्ट वन के अंदर क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है, टेस्ट की क्या क्वालिटी है। आप अपने आप को परख सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी सिलेबस और कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी। और अपन क्या करते हैं, किसी भी क्लास की अगर शुरुआत करते हैं तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ अपन शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि जिंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दोस्तों क्या कह रहा हूँ मैं, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो यहाँ सबके एक जैसे हैं, दर्द तो यहाँ सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हालातों से टूटकर बिखर जाता है और कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अपने को आगे बढ़ते रहना होगा। अपने को दिक्कतों से या परेशानियों से टूटना नहीं है, अपने को संघर्ष करते रहना है और निखर के आना है। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट, आई होप आपको पसंद आया होगा। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों आज की क्लास जो रहने वाली है अपनी, वो सीरीज से रहने वाली है। दोस्तों आज अपन कवर करने वाले हैं सीरीज को, सीरीज इन द सेंस श्रृंखला अपन शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 101% पूछा ही जाता है, चाहे आपका वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपको SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे आपको स्टेट गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सभी सबसे पहले टॉपिक का नाम डालेंगे, आज के टॉपिक का या आज के चैप्टर का जो नाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सीरीज यानी कि श्रृंखला। तो आज की शुरुआत करते हैं अपन श्रृंखला से। दोस्तों आज की शुरुआत रहने वाली है अपनी श्रृंखला से, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज। दोस्तों सीरीज को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि सीरीज को अगर आपको स्ट्रोंग करना है, मजबूत करना है, तो आपका स्क्वायर टेबल क्यूब आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 30 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, ये आपको याद होना चाहिए और 20 तक टेबल अपने को पता होना चाहिए। बिना इसके इस सीरीज में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो बात करते हैं शुरुआत की। सीरीज के अंदर जो पहला जो टाइप रहने वाला है अपना, वो रहने वाला है नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला। पहला जो टाइप रहने वाला है अपना वो रहने वाला है नंबर सीरीज। टाइप नंबर फर्स्ट लिखेंगे सभी, टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, चलेगा आइएगा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे रिलेटेड, सम से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी इसको बोलते हैं जोड़ का नियम। इस नियम से दोस्तों किस किस तरीके के अपने पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन है अपने पास 3, 7, 11, 15, 19। तो आपसे पूछा जाएगा
नेक्स्ट जो सीरीज चल रही है उसका अगला नंबर कौन सा होगा, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका देखिएगा क्या होगा, सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर सीरीज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप उनका डिफरेंस देखेंगे, क्या देखेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे देखा जाता है, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को अगर आप लेस करेंगे तो डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, कितने का डिफरेंस है, प्लस फोर का डिफरेंस है, यहां देखेंगे प्लस फोर का डिफरेंस है, यहां देखेंगे प्लस फोर का डिफरेंस है, यहां देखेंगे प्लस फोर का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आने वाले नंबर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस फोर एड करना पड़ेगा, 19 में फोर एड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। दोस्तों ये अपना आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और करते हैं, यहां से क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 10, 17, उसके बाद है 27 और 40, और आपको बताना है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, आपको बताना है क्या बताना है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो देखिएगा इसको सोल्व करते हैं, ये है पहले वाला क्वेश्चन इसके अंदर और ये है दूसरे वाला क्वेश्चन जोड़ के अंदर, तो देखिएगा वही करना है आपको, करना कुछ नहीं है, डिफरेंस देखना है, प्लस फोर का डिफरेंस है, यहाँ प्लस सेवन का डिफरेंस है, यहाँ आप देखेंगे तो प्लस टेन का डिफरेंस है, यहाँ आप देखेंगे तो प्लस थर्टीन का डिफरेंस है, और आगे जो डिफरेंस आने वाला है वो कितने का आएगा, प्लस सिक्सटीन का, कितने का आएगा बेटा दोस्तों, प्लस सिक्सटीन का। इट मीन्स इन डिफरेंस के अंदर भी डिफरेंस है, देखिएगा प्लस थ्री का डिफरेंस, प्लस थ्री का डिफरेंस, प्लस थ्री का डिफरेंस और प्लस थ्री का डिफरेंस, तो नेक्स्ट नंबर 16, 16 ऐड होगा किस में, प्रीवियस नंबर में 16 को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो 40 में 16 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास 56। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, कि नेक्स्ट रूल आपसे कौन सा पूछा जा सकता है। टाइप नंबर पहला पढ़ रहे हैं अपन नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज के अंदर सबसे पहला जो रूल पढ़ा है अपन ने जोड़ का नियम, उसके बाद देखते हैं घटाव का नियम, दूसरा है घटाव का नियम, ये अपन पढ़ने वाले हैं घटाव का नियम। यहां से इस पर क्वेश्चन करते हैं, घटाव से रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपना 50, 49, 46, 41 और 34, आपको बताना है कि इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वही डिफरेंस निकालना है, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, डिफरेंस आप निकालेंगे तो माइनस वन का डिफरेंस है, इसमें माइनस थ्री का डिफरेंस है, इसमें कितना है माइनस फाइव का डिफरेंस है, और इसमें चले जाएंगे आप तो कितने का डिफरेंस है माइनस सेवन का। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1, 3, 5, 7 नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस होगा कितने का डिफरेंस होगा, 9 का डिफरेंस होगा दोस्तों, किसका डिफरेंस होगा, 9 का डिफरेंस होगा, 9 का डिफरेंस होगा, यानी कि 34 में से 9 को क्या करना है आपको, माइनस करना है, 9 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा अपना 25। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों इसका, इसका आंसर आ जाएगा अपना 25। चलिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, चलिएगा क्वेश्चन है अपना 72, 67, 63, 60, उसके बाद है 55, 41 और 48। आपको इसमें बताना है कि अगला नंबर कौन सा होगा, आपको इसमें बताना है अगला नंबर कौन सा होगा, आपको दिख रहा होगा कि अगला नंबर कौन सा होगा। चलेगा इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं तो इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस फाइव है, इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है देखेंगे, 63 में से 67 को माइनस करेंगे तो माइनस फोर का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, माइनस फोर का डिफरेंस आ रहा है। इसको देखेंगे इसमें कितने का, माइनस थ्री का, इसको देखेंगे वापस से माइनस फाइव का, इसको देखेंगे माइनस फोर का, इसको देखेंगे माइनस थ्री का। तो देखो दोस्तों यहां से अब की बार क्वेश्चन अलग है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग है, इसमें क्या हुआ, तीन सीक्वेंस तक तो माइनस फोर माइनस फाइव
माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री हुआ, उसके बाद वापस से रिपीट हुआ माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री। तो नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस आएगा कितने का आएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा अपना वापस से किसका आ जाएगा, माइनस फोर माइनस फाइव का। तो 48 में से वापस से अगर अपन माइनस फाइव करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 43। कितना आ जाएगा, 43 इज द करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन का 43 क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना। तो घटाओं से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन सीखने हैं या क्वेश्चन पे और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कमांड अच्छे से करनी है, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं कि घटाओं के बाद आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं अपन, वो करेंगे गुणा से संबंधित प्रश्न, यानी गुणा का नियम। किसका नियम, गुणा का नियम। इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, वो करने जा रहे हैं 6, 12। नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। देखो इसको करते हैं, इजी क्वेश्चन है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई टू, इसमें 6 का देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना, 6 का ये मल्टीप्लाई 3, ये क्या है अपना 6 का मल्टीप्लाई 4, जो नेक्स्ट जो नंबर आएगा क्या आएगा 6 का मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, या फिर इसको गैप से भी कर सकते हैं अपन, 6-6 का गैप आ रहा है सभी में, तो इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 30 इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों इस पे कि अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, चलिएगा 1, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 4, 8। क्या क्वेश्चन है, 1, 2, 2 के बाद 8 है डायरेक्ट, 8 के बाद 64 है। नेक्स्ट आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, देखिएगा मल्टीप्लाई रूल लगाना है आपको, मल्टीप्लाई रूल लगाना है। तो देखो सबसे पहले 1 से 2 लाना है आपको, क्या लाना है, 1 से 2 लाना है। तो कैसे आया होगा 1 से 2, मल्टीप्लाई क्या किया होगा, 2 किया होगा, 2 से 8 आया होगा मल्टीप्लाई 4, यहाँ 8 से 16 आया होगा मल्टीप्लाई 8। अब आप क्या करेंगे, आप खुद बताइए, यहाँ क्या हो रहा है, जस्ट डबल भी होता जा रहा है। देखिएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 16, क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई 16। जब आप 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ रहा है अपना, 16 जा कितने होते हैं 64, 6 कैरी अपने पास, और 16 जा 96, 96 में अगर आप 6 ऐड कर रहे हैं तो अपना आंसर आ जाएगा 1024। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1024, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना गुणा से संबंधित नियम। अब आगे चलते हैं, आगे जो नियम पढ़ने जा रहे हैं अपन, भाग से रिलेटेड नियम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद वर्ग से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्यूब से रिलेटेड पढ़ेंगे, अल्टरनेट सीरीज पढ़ेंगे, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो सीरीज के अंदर बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखिए, वर्ग नियम। वर्ग का नियम देखते हैं, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ कौन सा नंबर आएगा, यहाँ कौन सा नंबर आएगा। सबको लग रहा है 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर,
12 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या 14 का स्क्वायर, बताइए 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196। ये अपना सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि 7, 6, 8, 15। उसके बाद है अपना 29। आपको निकालना है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग और वर्ग अंतर से रिलेटेड अपन नियम सीख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को किस प्रकार से अपना दिमाग दौड़ाना होगा, किस प्रकार से अपने को इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ देखिएगा, 7 अपने को क्या लाना है बेटा, 7 लाना है, तो 7 कैसे आया होगा ये देखना है आपको। सबसे पहले 7 कैसे आया होगा, तो लगाइए दिमाग कि 7 कैसे आया होगा। 7 से क्या करना है आपको, सेवन से 6 लाना है आपको, तो दिमाग लगाना है कैसे करेंगे इसको। देखिएगा, 7 से 6 में गए तो -1 +2, उसके बाद +7, उसके बाद +14। ये कुछ फॉर्मेट जम नहीं रहा दोस्तों, तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, और कुछ तरीका इसको करने के लिए बताइए, और क्या कर सकते हैं। अभी ये वाला तो नहीं लगा, फिर दूसरा देखना पड़ेगा अपने को, दूसरा सोचिए क्या कर सकते हैं अपन। और क्या कर सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर और -2, ये कर सकते हैं आप। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसको देखिए, क्या करेंगे आप, किस प्रकार से सोल्व करेंगे आप इसको, दिमाग लगाइए। 1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 -2 यानी -1, ये नहीं हुआ, यहाँ -1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर -1 हुआ है, ठीक है, 6 मिल गया आपको। उसके बाद आगे चलते हैं, 2 का स्क्वायर -2 यानी कि 4, 4 में से 2 यानी 2 ऐड कर दिया आपने, 2 का स्क्वायर -2, ठीक है। उसके बाद इसमें किया है आपने लाने के लिए, इसके बाद 3 का स्क्वायर -2 यानी 9 में से 2 7, 7 ऐड कर दिया आपने इसमें लाने के लिए। देखिए इसमें क्या लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन ही ये, इसको देखिएगा आगे क्या करना है अपने को, 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16, 16 -2 यानी कि 14, 14 क्या कर दिया आपने इसमें ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर -2 यानी कि 5 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 25 में से आप 2 को माइनस करेंगे 23, तो 23 आपको क्या करना पड़ेगा, 23 आपको इस 29 में ऐड करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। तो 9 और 3 कितने होते हैं 12, 1 कैरी 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 52, इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। देखेगा एक बार और देखेगा इस क्वेश्चन को, पहले मैंने लगाया कोई दो और मेथड नहीं लगा, इसके बाद आपको निराश नहीं होना है, जस्ट ट्राई करना है उसको, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए उसको, 7 से मेरे को 6 लाना है कि 7 से 6 कैसे बनेगा, मैंने क्या किया 1 का स्क्वायर -2 इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया, उसके बाद ये ओवरऑल हो कितना रहा है, ये ओवरऑल हो रहा है अपना -1, आपने क्या किया 7 में से -1 करेंगे तो 6 मिलेगा, सीरीज घटी, फिर सीरीज क्या हो रही है बढ़ रही है, सीरीज एक बार क्या हुई घटी, फिर उसके बाद क्या हो रही है सीरीज बढ़ रही है,
तो नेक्स्ट भी आपको कौन सा फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, एक का स्क्वायर माइनस टू, टू का स्क्वायर माइनस टू, थ्री का स्क्वायर माइनस टू, फोर का स्क्वायर माइनस टू, नेक्स्ट फाइव का स्क्वायर माइनस टू, ये आपको लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा। इसको देखिएगा, चार में से दो जाएंगे, प्लस के दो बचेंगे, सिक्स में टू एड करेंगे एट आ जाएगा, एट को यहाँ देखें नाइन में से टू घटाएंगे सेवन बचेंगे, सेवन एट में सेवन एड करेंगे फिफ्टीन मिल जाएगा, उसके बाद सिक्सटीन में से टू घटाएंगे फोर्टीन मिलेंगे, फोर्टीन फिफ्टीन में एड करते हैं ट्वेंटी नाइन मिल जाएगा, उसके बाद आपको 29 में अगर आप 23 ऐड करेंगे तो आपको 52 मिल जाएगा, जो कि इस वाले प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो ये था अपना वर्ग नियम और वर्ग अंतराल से रिलेटेड क्वेश्चन। इस प्रकार से और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे और आपको बनाने पड़ेंगे, यानी कि आपको पूरा खेल जो है आपके दिमाग का है कि आप सोच कितना पा रहे हैं अपने आप पे, वहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद देखिए वर्ग नियम पढ़ लिया अपन ने, उसके बाद पढ़ रहे हैं अपन घन व घन से अंतर संबंधी। घन नियम दोस्तों, इसमें लिखेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इजी है, नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, आपसे सीरीज दी गई है, इजी क्वेश्चन है 8, 27, 64, 125, 62, 16, यानी कि नेक्स्ट आने वाला नंबर अपने पास कौन सा होने वाला है। आप देख पा रहे होंगे जो 8 जो होता है दोस्तों अपना 2 का क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, 2166 का क्यूब होता है, नेक्स्ट जो 7 का क्यूब होगा कितना होगा दोस्तों 343, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये क्या है अपना 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, नेक्स्ट आप खुद बताइए 7 का क्यूब। दोस्तों 7 का जो क्यूब होता है वो होता है अपना 343, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस वाले प्रश्न का अभी फिलहाल जो आंसर होगा वो क्या होगा 343 रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि नेक्स्ट किस टाइप से अपने पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और करिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6, 14, 41, 105, और नेक्स्ट नंबर आपको लाना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ये वाला सॉल्यूशन ऊपर वाले का है कि ये अपना आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, बताइए इसको किस प्रकार करेंगे आप। 5 से 6 आया प्लस 1 हुआ, 6 से 14 आया 8 हुआ, फिर 14 से 41 पे चले गए, देखे 27 का डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल लीजिए आप एक बार, बिल्कुल डिफरेंस प्लस 1 है, डिफरेंस प्लस 8 है, डिफरेंस प्लस 27 है, और डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 10 में से 64, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना रहेगा दोस्तों देख लो, प्लस 64 का डिफरेंस है तो प्लस 125 का डिफरेंस रहने वाला है, बताइए कैसे। 1 क्या है डिफरेंस, 1 का क्यूब, 8 क्या है 2 का क्यूब, 27 क्या है 3 का क्यूब, 64 क्या है 4 का क्यूब, 125 जो होगा वो 5 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा 125 में अगर आप 105 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 230, कितना मिल जाएगा दोस्तों 230 आपका सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का, तो 230 आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस वाले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा 230 होगा दोस्तों, 230 अपना आंसर है। तो ये थे घन व घन से अंतर वाले रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो करने वाले हैं अपन मिक्स सीरीज करने वाले हैं दोस्तों, अब जो प्रश्न होंगे आपको जो मैंने बताया, जो जो रूल मैंने आपको बताए, डिवाइड, गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, वर्ग वर्ग से रिलेटेड, घन घन से रिलेटेड, ये अब काम आने वाले हैं आपके। अब करने वाले हैं अपन मिश्रित श्रृंखला संबंधी या मिक्स सीरीज से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन लीजिएगा दोस्तों कि पहला क्वेश्चन क्या है, चलिएगा पहला क्वेश्चन है, अब कुछ मिक्स एग्जांपल हैं उनके एक प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन, जैसे कि पहला है
चलिएगा। नेक्स्ट टू नंबर्स कौन से होंगे, नेक्स्ट टू नंबर्स कौन से रहने वाले हैं अपने पास, आपको क्या बताना है, नेक्स्ट टू नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। चलिएगा कैसे करेंगे, 8 से 10 पे जाना है, प्लस 2 चल रहा है, 10 से 7 पे जाना है, माइनस 3 चल रहा है, 7 से 9 पे गए, प्लस 2 चल रहा है, 9 से 6 पे गए, माइनस 2 चल रहा है। अब आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि सीरीज में बेसिकली हो क्या रहा है, एक बार प्लस चल रहा है, एक बार माइनस चल रहा है, तो दोनों रूल यहाँ पे लग रहे हैं दोस्तों, प्लस 2 माइनस 3, प्लस 2 माइनस 3, तो नेक्स्ट आने वाला नंबर क्या होगा, प्लस 2, नेक्स्ट आने वाला नंबर क्या होगा, माइनस 3, तो 6 में प्लस 2 ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 8, 8 में से माइनस 3 करेंगे आंसर आ जाएगा 5। तो इस वाले प्रश्न का जो इनका आंसर होगा 8 एंड 5 अपना सही आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से भी इस वाली सीरीज को सॉल्व किया जा सकता है, और दोस्तों इसको सॉल्व करने के एक और तरीका है, क्या तरीका है कि 8 से 7 माइनस 1, 7 से 6 माइनस 1, 6 से जो आप जाएंगे माइनस 1, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सीरीज के अंदर डबल सीरीज है, इसको बोला जाता है अल्टरनेट सीरीज, इसको हिंदी में बोला जाता है एकांतर श्रेणी, यानी कि एक छोड़कर एक का अंतर देखा जाता है, इसलिए इसको बोला गया है एकांतर श्रेणी। यहाँ से 8 के साथ मैंने जो डिफरेंस लिया है 7 का लिया है, एक को छोड़ दिया, 7 के साथ फिर मैंने 6 का लिया है, 6 के साथ इसको छोड़ना पड़ेगा और इसका आंसर निकालना पड़ेगा। वैसे ही 10 से आप जाएंगे 9 पर माइनस 1, 9 से जाएंगे वापस से माइनस 1, तो इसको ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। इस वाली सीरीज को सोल्व करने का जो तरीका होगा, दो टाइप से इसको सोल्व किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऊपर आइएगा, देखेगा और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से अच्छे अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3, 9, 21, 45, 3, 9, 20, 45 और 93। देखिएगा क्या लग रहा है इसमें, नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ये एक क्वेश्चन है आपका। चलेगा कैसे करेंगे इसको, 3 से 9 लाना है मुझे, तो मल्टीप्लाई 3 कर दें 9 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई 3 करेंगे 27 नहीं आएगा, आपको एक ही फॉर्मेट लगाना है क्वेश्चन में, फॉर्मेट चेंज नहीं करना अपने को, तो ये मल्टीप्लाई 3 तो नहीं लगने वाला। उसके बाद इंटू 2 करके प्लस 3 कर दे, तो इंटू 2 करके अगर प्लस 3 कर रहे हैं, इंटू 2 प्लस 3 तो 9 आ रहा है, इंटू 2 प्लस 3, 9 टू जा 18 प्लस 3, यस आ रहा है, इंटू 2 प्लस 3, 21 टू जा 42, 40 में 3 ऐड करेंगे 45, यहाँ से 42, 45 का डबल 90 होता है और उसमें 3 ऐड कर देंगे, 93 मिल रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 93 को अगर आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे 186 होता है, 186 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा 189। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 189 इज द करेक्ट आंसर। इस वाले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 189 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन अपने पास पूछे जा सकते हैं। चलिएगा आइएगा एक क्वेश्चन और करते हैं, 1, 2, 5, 15, 52.5 और वो है अगला है 210 और नेक्स्ट आपको नंबर इसमें निकालना है। इसका जो सही आंसर था 189 था, नेक्स्ट आपको क्या करना है निकालना है। चलिएगा कैसे करेंगे इस वाले प्रश्न को, 1 से 2 लाना है, प्लस 1 आ रहा है, डिफरेंस देख लीजिए, पहली बात तो सबसे पहले डिफरेंस ही देखेंगे, प्लस 1 का डिफरेंस है, प्लस 3 का डिफरेंस है, प्लस 10 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस ही बढ़ता जा रहा है डिफरेंस, तो ये तो नहीं लगने वाला। सबसे पहले यही देखते हैं सीरीज को सॉल्व करने से पहले कि आपको डिफरेंस लगा के देखना है, उसके बाद कैसे कर पाएंगे आप इसको।
वन से टू लाना है दोस्तों। वन से टू कब आएगा? वन से टू आएगा, प्लस करने से तो नहीं हो रहा। अगर इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, वन मल्टीप्लाई बाई टू, तो टू बन रहा है अपना। लेकिन टू से अगर अपने को फाइव लाना है, टू से फाइव कब बनता है अपना? जब इसको ढाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है दोस्तों। कितने से? ढाई से। टू को आप फाइव बाई टू से, फाइव बाई टू क्या है अपना? ढाई तो है, तो टू से टू कैंसिल किया आ गया, फाइव आ गया। जी हाँ बिल्कुल, आप इसको मल्टीप्लाई फाइव बाई टू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई फाइव बाई टू कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई टू, फिर इसमें पॉइंट फाइव बढ़ाया, तो नेक्स्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई थ्री। अब आप खुद बताइए, मल्टीप्लाई ढाई आ गया, तीन आ गया, साढ़े तीन। साढ़े तीन का मतलब होता है सात बटे दो। सात बटे दो का मतलब कितना होगा अपना? 105, 105 में दो का डिवाइड करेंगे तो 52.5 आ जाएगा अपना। उसके बाद साढ़े तीन, ये कितना है अपना? 4.5 बढ़ाते जाना है अपने को। उसके बाद जो होगा अपना साढ़े चार, साढ़े चार को क्या लिखते हैं दोस्तों? 9/2 लिखते हैं। तो इसमें 210 को 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 210 को काट देंगे, 210 105 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 945। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों अपना? 945 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों इसका? 945 अपना क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर यहां लिख लीजिए, 945 इसका सही आंसर है। तो इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसी तरह से करने हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे दोस्तों? नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे, आज अपन कर रहे हैं नंबर सीरीज, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी करेंगे अल्फाबेट सीरीज और रिपीटेड सीरीज। सीरीज में तीन टाइप से सीरीज को कैटेगराइज किया गया है या बांटा गया है। कौन कौन सी सीरीज करेंगे इसके बाद अपन सीरीज करेंगे? अल्फाबेट सीरीज और रिपीटेड सीरीज करेंगे नेक्स्ट इसके वीडियोज़ में। आज के वीडियोज़ में अपन ने सीखा है सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज, किस टाइप से नंबर सीरीज पूछी जाती है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपनी वाली क्लास को ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन और है, 125, 26। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? आपको बताना है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? चलो कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल दिख रहा है। मल्टीप्लाई वन प्लस वन, मल्टीप्लाई टू प्लस वन, मल्टीप्लाई बताइए क्या होगा? टू का स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से फाइव का स्क्वायर प्लस वन। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ ये वाला तो नहीं लगेगा, मैंने जैसे कि जल्दबाजी में लगा दिया कि मल्टीप्लाई दिख रहा था, यहाँ तक आगे नहीं लगा। उसके बाद वन का स्क्वायर प्लस वन, टू का स्क्वायर प्लस वन और फाइव का स्क्वायर प्लस वन, तो नेक्स्ट क्या होगा? 26 का स्क्वायर प्लस वन, ये अपना आंसर बन जाएगा। बताइए 26 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए, 676 प्लस वन, ये अपना सही आंसर है, 767। अपना जो आंसर होगा 677, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर डीजे सर क्लासेस कोटा के नाम से आप चैनल को सर्च कीजिए, उसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। और ऐप पर पढ़ने वाले मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वो अपनी तैयारी को और मजबूत और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अपनी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट को पक्का करना चाहते हैं आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, तो उनके करना क्या होगा? सिंपली उनको करना कुछ नहीं है, डीजे सर क्लासेस ऐप पर जाकर टेस्ट वन को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। उससे क्या होगा? उससे बहुत कुछ होगा, आपको आपकी कन्फर्म सीट मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके दो पार्ट और करने वाले हैं, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। टाइप सेकंड के अंदर अल्फाबेट सीरीज करेंगे, टाइप थर्ड के अंदर रिपीटेड सीरीज करने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम के अंदर रिपीटेड सीरीज से 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको बिल्कुल स्किप ना कीजिए, बिल्कुल विजिट करिएगा उसको। आई होप आज की क्लास पसंद आई है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी यू।